स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट दो में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दे का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाएं बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचें कि क्या सही है और क्या गलत। पहले सुने आज की गपशप। सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ हुई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में असल में क्या हुआ या किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मजेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी करके बैठक के बारे में बताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी बयान जारी करके जानकारी दी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने तो बाजाब्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बताया कि बैठक में क्या हुआ। इसके बाद भी अगले दिन यानी मंगलवार को एक अखबार ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होगा तो दूसरे ने लिखा कि लॉकडाउन 3 मई के बाद भी जारी रहेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बैठक की पूरी कार्रवाई को और उसके बाद जारी बयान को इसी तरह कई परतों में लपेट कर पेश किया गया। स्पष्ट रूप से कोई फैसला नहीं हुआ और न किसी बात पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन सार्थक रहा और इससे हजारों जिंदगियां बचाई गई, पर यह सार्थक लॉकडाउन जारी रहेगा या नहीं रहेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य नीतियां बनाए कि यातायात कैसे बहाल होगा, बुजुर्ग घरों से निकलेंगे या नहीं, दुकानें खुले या नहीं आदि। अब सवाल है कि जब ये सारी नीतियां राज्यों को बनानी है और उन्हीं को इन पर अमल करना है तो पहले दो घोषणा प्रधानमंत्री ने क्यों की और केंद्रीय गृह मंत्रालय निर्देश जारी करके राज्यों को क्यों उनका पालन करने के लिए बाध्य कर रहा है। असल में प्रधानमंत्री ने इस अंदाज में बात की है जिसकी सब अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सोमवार को हुई बैठक के बाद एक अहम सवाल यह उठ रहा है कि क्या केंद्र सरकार कोरोना वायरस से लड़ाई को अब राज्यों के हवाले छोड़ रही है। क्या अब लॉकडाउन के नियम केंद्र सरकार तय नहीं करेगी और राज्य सरकारों को जैसे समझ में आएगा या जैसी जरूरत दिखेगी वे वैसी नीतियां बनाएंगे। यह भी सवाल है कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे या नहीं। असल में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा है कि वे अपनी नीतियां खुद बनाएं। पहले से भी यही होना चाहिए था कि राज्य अपने यहां की स्थितियों के आधार पर फैसला करें। जिन इलाकों में ज्यादा मामले हैं वहां सख्ती से लॉकडाउन लागू करें और बाकी इलाकों में एहतियात बरतते हुए कामकाज होने दें। इसमें केंद्र सरकार की भूमिका विमान सेवा, रेलवे आदि के बारे में फैसला करने की थी। केंद्र को दुनिया के देशों से अच्छी क्वालिटी और टेस्टिंग किट और दूसरे मेडिकल उपकरण मंगाकर राज्यों को उपलब्ध कराने थे, पर वह काम कायदे से नहीं हुआ। टेस्टिंग किट्स खराब निकली। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कमाल कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक वे केंद्र सरकार के सबसे बड़े आलोचक थे। केंद्र सरकार और उनके बीच किसी काम को लेकर तालमेल नहीं बन पाता था। दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे और सर्वोच्च अदालत की दखल के बावजूद दोनों का मामला नहीं सुलझा। पर ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण ने दोनों के बीच की दूरियों को मिटा दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तय कर लिया है कि केंद्र सरकार जो बात कहेगी उसी पर अमल करना है, अपनी ओर से कोरोना वायरस से लड़ाई में किसी तरह का फैसला नहीं करना है। यहां तक कि केजरीवाल ने कहा था कि वे 27 अप्रैल को विचार करेंगे कि क्या छूट देनी है, पर इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक निर्देश जारी करके बता दिया कि कौन कौन से दुकानें कहां कहां खुलेंगी। सो 27 अप्रैल को विचार करने के बजाय एक दिन पहले केजरीवाल ने कह दिया कि जो केंद्र सरकार ने कहा है वे उसी पर अमल करेंगे। उन्होंने विचार करने की जरूरत भी नहीं समझी। तबलीगी जमात के लोगों से लेकर लॉकडाउन के नियमों तक वे आंख मूंद कर केंद्र का आदेश मान रहे हैं। पर मुश्किल अब यह है कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि राज्य अपने नियम खुद बनाए। यह देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल कोई नियम बनाते हैं या अपने लिए केंद्र सरकार से ही नियम बनाने के लिए कहते हैं। हाल फिलहाल की सुर्खियों में, बहस में, जिस बात ने आपके जहन में पेठ बनाई है उसका भला क्या मतलब है और क्या है उसका और छोर। सो क्यों ने अब जाना जाए आज का खुलासा। क्या दुनिया का हर देश कोरोना वायरस के संक्रमण और इससे होने वाली मौत की संख्या छिपा रहा है? चीन ने एक रास्ता दिखाया है जिस पर लगभग सारे देश चल रहे हैं। चीन में सबसे पहले इस वायरस का संक्रमण शुरू हुआ था और उसने करीब एक महीने तक दुनिया से यह बात छिपा कर रखी। ताइवान के खुलासा करने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को इसकी जानकारी मिली, पर कुछ अज्ञात कारणों से WHO ने दुनिया को आगाह करने के बजाय चीन के हिसाब से काम किया। इसका नतीजा यह हुआ कि चीन को अपने हिसाब से आंकड़ों को मैनिपुलेट करने का मौका मिला और उसने दुनिया के सामने सच नहीं आने दिया। लेकिन जब उसके यहाँ यह बीमारी खत्म होने लगी और तब उसने मरने वालों का आंकड़ा बढ़ाने का फैसला किया। ध्यान रहे, चीन ने पहले कहा था कि उसके यहाँ 3200 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 2500 से कुछ ज्यादा लोग अकेले वुहान में मरे। पर जब वुहान कोरोना से मुक्त होने लगा और देश के दूसरे हिस्सों में भी इस वायरस पर काबू पा लिया गया तो चीन ने वुहान के आंकड़ों में एकदम 50% का इजाफा किया। उसने कहा कि वुहान में 2500 नहीं बल्कि 3700 से ज्यादा लोग मरे थे। उसने 1290 लोगों के मरने का आंकड़ा उसमें जोड़ा। हालांकि उसने संक्रमितों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाई, पर यह एक संकेत है जिससे दुनिया भर के जानकार दुनिया के दूसरे देशों के बारे में अंदाजा लगा रहे हैं। असल में दुनिया भर के देश अभी इसे लेकर पैनिक नहीं फैलने देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आंकड़े छिपाए हैं।
हर देश ने कम या ज्यादा आंकड़ा छिपाया है। हालांकि चीन की तरह उनके यहाँ 50% आंकड़े छिपाने की बात नहीं होगी। चीन में तो हो सकता है कि और ज्यादा संख्या हो, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन में अमेरिका से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ध्यान रहे, अमेरिका में 57,000 के करीब लोगों की मौत हुई है। अगर ट्रंप की बात पर यकीन करें तो चीन में इससे ज्यादा लोग मरे हैं, जबकि वह कह रहा है कि उसके यहाँ सिर्फ 4600 लोग मरे हैं। बहरहाल इन दावों की भी पड़ताल होगी, पर इस बात पर दुनिया के जानकार सहमत है कि थोड़ी बहुत हेराफेरी हर जगह हुई है और यह जानबूझकर किया गया है ताकि लोगों को सुरक्षा का झूठा ही सही आश्वासन दिया जा सके। यह भी कहा जा रहा है कि कोरोना का संकट खत्म होने के बाद ज्यादातर देश अपने अपने आंकड़े रिवाइज करेंगे और तब असलियत का पता चलेगा। दुनिया के सब हुआ विकसित देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय देशों आदि की बात अलग है। वहाँ आंकड़ों में ज्यादा हेराफेरी नहीं हो सकती है और वहाँ सच सामने भी आ जाता है। इसमें भी भारत का मामला जरा अलग है। भारत के बारे में तो पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। यहाँ तो हर राज्य आंकड़ों से हेराफेरी में लगे हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने एक राज्य पश्चिम बंगाल को पकड़ लिया तो वहाँ से कुछ सच सामने आया, पर वह भी अधूरा है। राज्य सरकार ने कोरोना से होने वाली मौत को दूसरी बीमारी से होने वाली मौत की श्रेणी में डाल रखा था। जब केंद्रीय टीम पहुंची तब एक निश्चित संख्या जारी करके बताया गया कि मरने वालों को कोविड-19 का भी संक्रमण था, यानी वे मरे दूसरे कारणों से। ध्यान रहे, भारत ने अपने यहाँ कई बीमारियों को इसी तरह खत्म कर दिया है। यहाँ उन बीमारियों से होने वाली मौत को दूसरी श्रेणी में डाल दिया जाता है। जैसे कोलकाता में अब कोई कॉलरा से नहीं मरता है, क्योंकि राज्य सरकार ने बहुत दिन पहले कह दिया कि कॉलरा खत्म हो गया है और उससे होने वाली मौतों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस से होने वाली मौत की श्रेणी में डाल दिया गया। इसी तरह अब चेन्नई में कोई मलेरिया से नहीं मरता है, क्योंकि राज्य कथित तौर पर मलेरिया से मुक्त हो गया है। मलेरिया से होने वाली मौतों को भारत में वैसे भी मरने वालों का सर्टिफिकेट बनवाने का चलन नहीं है। कानून होने के बावजूद लोग कम ही सर्टिफिकेट बनवाते हैं। यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट भी पूरी तरह से नहीं होती। एक आंकड़े के मुताबिक 2017 में भारत में लगभग 70 लाख लोगों की मौत हुई थी, जिसमें करीब 60 लाख की मृत्यु का पंजीयन हुआ और सिर्फ 14 लाख लोगों यानी 22% के मरने का सर्टिफिकेट बना था। बहुत से राज्यों में तो 10% से भी कम लोगों का सर्टिफिकेट बना। भारत में औसतन हर महीने 6 लाख लोग मरते हैं और यह भी तथ्य है कि करीब 64,000 लोग हर महीने सांस की बीमारी से और करीब 1,60,000 लोग दिल की बीमारी से मरते हैं। यह भी तथ्य है कि भारत को दुनिया का डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। यहाँ 6 करोड़ से ज्यादा मधुमेह के रोगी। ध्यान रहे, सांस की बीमारी, दिल की बीमारी, डायबिटीज आदि बीमारियों से ग्रस्त लोगों में कोरोना का संक्रमण लगने और उनके मरने की संभावना ज्यादा है। सो हैरानी नहीं होगी कि अगर मरने वाला कोरोना संक्रमित हो तब भी उसकी मौत दूसरी श्रेणी में दर्ज हो रही हो। या जानबूझकर भी हो सकता है और अनजाने में भी हो सकता है। इसका सच सामने आना जरा मुश्किल होगा। आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे सब्सक्राइबर बटन को जरूर दबाएं। वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।